Morning everyone. Today I came with management of labor. In that we will see the first stage of labor, and according to your syllabus we have finished the physiology of labor and mechanism of labor. Now comes the management of labor. In that, the first stage of labor. So what is the first stage of labor? We can say labor is the process by which the viable fetus, placenta and membrane are expelled from the through the birth canal. In Hindi we can say the prasav wo prakriya hai jisme fetus, placenta aur membrane jan marg se bahar nikalte hain. And in first stage of labor, from where it is a start, or how we can say it is the first stage, it is started from the true labor pain to the full dilatation of the cervix. दैट मीन्स कि ये वो अवस्था है जिसमें कि वास्तविक प्रसव पीड़ा के प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है तथा सर्विक्स के पूरी तरह विस्तारित हो जाने के साथ ये समाप्त हो जाती है. नाउ कम्स द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑनसेट ऑफ लीवर एंड नॉर्मल एंड अबनॉर्मल. सो साइन एंड वट इज़ द यू विल सी द साइन एंड सिम्टम्स. इट इज़ द बेबी ड्रॉप्स, cervix dilatation, cramps and increase the back pain, loose feeling joints, diarrhea, weight gain stop, fatigue, vaginal discharge, consistent vaginal discharge changes color and consistency, stronger more frequent contractions and water breaks. That means baby drops. First point is the baby drop. Baby drop means when the baby's head is moves over lower down into the pelvic, and pelvic is ready for the labor. That means the baby is going down and down, and it is the process that the delivery is going to takes place. And in Hindi we can say ki prasav ke samay जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं या जो चिन्ह, मुख्य चिन्ह और लक्षण समय दिखते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जिसे कि हम प्रीमेनोट्री साइन भी कहते हैं. एंड प्रसव के पूर्व सूचक चिन्ह और पूर्व सूचक अवस्था, जिसे कि हम प्रीमेनोट्री स्टेज कहते हैं, के दौरान पाए जाते हैं. ये अवस्था प्रथम बार प्रेग्नेंट लेडी में प्रसव पीड़ा के 2 या 3 सप्ताह पहले से ही पाई जाती है. जैसे ही उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, 2-3 सप्ताह बाकी होते हैं और उसमें ये पेन होना शुरू हो जाता है. जबकि दूसरी ओर इससे भी अधिक बार, दूसरी या इससे अधिक बार गर्भवती हुई महिला में वास्तविक प्रसव के कुछ दिनों पहले पाई जाती है. दैट मीन्स जो मल्टी ग्रेविडाज होते हैं उसमें कुछ दिन पहले पाई जाती है, और जो प्राइमरी ग्रेविडाज होते हैं उसमें 2 हफ्ते पहले से पाई जाने लगती है. इसमें पहले गर्भवती महिला को हल्कापन महसूस होता है, जिसे इन इंग्लिश में हम लाइटनिंग कहते हैं. हल्कापन होने का जो प्रक्रिया होती है वो प्रसव से लगभग 2 सप्ताह पहले ही स्टार्ट हो जाती है या महसूस होने लगती है, जिसमें कि गर्भस्थ शिशु के प्रेजेंटिंग पार्ट का वास्तविक पेल्विक के नीचे की ओर खिसक जाना ही हल्कापन या लाइटनिंग कहलाता है. देन लाइटनिंग के परिणाम स्वरूप फंडल ऊंचाई कम हो जाती है, डायफ्राम और फंडस पर लगाए जाने वाला दबाव भी कम हो जाता है, गर्भवती महिला को राहत महसूस होती है, और लाइटनिंग को गर्भवती स्त्री में वेलकम साइन भी कहा जाता है. वेलकम साइन मतलब कि अब बेबी आने वाला है, क्योंकि लाइटनिंग इस बात को सुनिश्चित करती है कि गर्भ शिशु के सिर वास्तविक पेल्विस से होकर निकलने में कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगी. अर्थात ये पेल्विक के आकार का गर्भ शिशु के सिर के आकार के अनुपात में नहीं होने की संभावना को भी खत्म कर देती है. सेकेंड आता है सर्वाइकल चेंजेस. इन सर्वाइकल चेंजेस वट विल हैपन, सर्विस राइपनिंग विल बी हैपन. दैट मीन्स
सर्विस के पूर्व सूचक या प्रीमेंट्री स्टेज के दौरान सर्विक्स राइपनिंग होना या फिर मुलायम हो जाती है। जैसे जैसे सर्विक्स मुलायम होती है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर मर्ज होती जाती है। ये हल्की सी डायलेट होती है, लगभग 2 सेंटीमीटर, और इसमें एक उंगली प्रविष्ट कराई जा सकती है। जब हम वन फिंगर हमारी पीवी एग्जामिनेशन में प्रविष्ट हो जाती है या चली जाती है ईजिली, तब हम कह सकते हैं कि अभी 2 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है। इसकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन में जो गर्भस्थ शिशु के सिर का वास्तविक पेल्विक में नीचे की ओर खिसक जाने के कारण यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, और जिसके परिणाम स्वरूप महिला में यूरिन बार बार जाने की, या यूं कहिए कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। देन फॉल्स लेबर पेन, और उसे एक आभास होता है कि उसे प्रसव पीड़ा हो रहा है, लेकिन वो प्रसव पीड़ा नहीं होता है। देन कम्स द साइन ऑफ ट्रू लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन दर्दयुक्त एवं तालबद्ध गर्भाशय संकुचनों की उपस्थिति, दैट मीन्स इट इज़ अ पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शंस एंड आफ्टर दैट शो विल बी प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ शो। देन कम्स द सर्विक्स डायलिटेशन एवं इफेसमेंट एंड नाउ बैग ऑफ वाटर। सो फर्स्ट वी विल सी द गर्भाशय दर्द युक्त एवं गर्भाशय संकुचनों की उपस्थिति, दैट मीन्स पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन। प्रेगनेंसी के दौरान पाए जाने वाले यूट्राइन कंट्रैक्शनों एवं कंट्रैक्शनों को हम सबसे पहले ब्रैक्सन हिट्स कंट्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। ब्रैक्सन हिट्स कंट्रैक्शन कहते हैं, या ये कंट्रैक्शन प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही पाए जाते हैं। स्टार्टिंग में ही महिला को थोड़ा थोड़ा कंट्रैक्शंस या फिर पेन महसूस होता है, उसका एब्डोमेन टेंस होने लगता है, उसे हम ब्रैक्सन हिट्स कंट्रैक्शंस कहते हैं, जो शुरुआती टाइम में होता है तथा संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान विद्यमान रहता है या फिर प्रेजेंट रहता है जब तक कि डिलीवरी ना हो, तब तक कंट्रैक्शन प्रेजेंस रहते हैं। प्रारंभ में संकुचन के अनियमित तथा दर्द रहित होते हैं। स्टार्टिंग में ये पेन बहुत ही लिमिटेड या फिर यूं कहिए कि पेनलेस पेन होता है तथा सर्विक्स के विस्तारण में कोई भी संबंध नहीं होता है। और स्टार्टिंग में जब ये पेनलेस कंट्रैक्शंस होते हैं तो फिर डायलिटेशन का कोई भी मतलब नहीं होता है, परंतु वास्तविक प्रसव के दौरान या ट्रू लेबर पेन के दौरान कंट्रैक्शंस पेनफुल हो जाते हैं और सर्विक्स में डायलिटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नाउ कम्स द साइन इज शो, शो की उपस्थिति। शो में क्या होता है कि रक्त के साथ या ब्लड के साथ सर्वाइकल म्यूकस प्लग, जिसे हम कहते हैं वजाइनल मार्क से या फिर थ्रू वजाइना इट इज कम आउट। शो में म्यूकस मेम्ब्रेन और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड वजाइनल मार्ग से बाहर आता हुआ आपको दिखाई देता है। ये शो वास्तविक प्रसव के आरंभ होने के साथ ही दिखाई देता है। जैसे ही ट्रू लेबर स्टार्ट होता है देन ओनली शो विल बी प्रेजेंट। ब्लड की उपस्थिति सर्विक्स की कोशिकाओं के फटने तथा निचले यूट्राइन सेगमेंट के खिंचाव के कारण डेसिडुआ की सतह से मेम्ब्रेन्स को अलग करने का एक कारण होता है। नाउ कम्स द इफेसमेंट और सर्विक्स डायलिटेशन। ट्रू लेबर पेन के आरंभ होने के साथ ही सर्विक्स का डायलिटेशन, डायलेट होना या फिर इफेसमेंट प्रारंभ हो जाता है। मल्टी ग्राविडा वुमेन्स में तथा कुछ प्राइमी ग्राविडा के प्रारंभ होने से पूर्व भी सर्विक्स कुछ डायलेट हो सकती है। प्राइमी ग्राविडा में सर्विस का एफेसमेंट पहले होता है तथा मल्टी ग्राविडा में बाद में होता है। इसके विपरीत मल्टी ग्राविडा में उक्त दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती हैं, दैट मीन्स मल्टी ग्राविडा में पेन और कंट्रैक्शन और सर्विस का एफेसमेंट दोनों साथ, जैसे ही कंट्रैक्शन होता है वैसे ही उसका सर्विक्स ऊपर की ओर खींचता है
और डिलीवरी का समय प्रारंभ हो जाता है। नाउ कम्स द बैग ऑफ वाटर। बैग ऑफ वाटर मीन्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट के फैलने के कारण इसमें एक खिंचाव होता है, और जब ये बैग ऑफ वाटर स्ट्रच लोअर सेगमेंट स्ट्रच होता है तो ये बैग ऑफ वाटर ईजिली से बाहर आता हुआ आपको दिखता है, और इसमें भ्रूणीय झिल्लियाँ डेसिडुआ से पृथक हो जाती हैं। इसका मतलब कि बैग ऑफ वाटर के फटने से ही मेम्ब्रेन और डेसिडुआ इज सेपरेटेड। सर्वाइकल कैनाल के विस्तारण के कारण मेम्ब्रेन के निचले सिरे को पर्याप्त सहारा नहीं मिल पाता है तथा सर्वाइकल कैनाल में लटक जाता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि फीटस के सिर के प्रारंभ का अमनियोटिक फ्लूड आसानी से इसे निचले सिरे में प्रविष्ट हो जाता है या फिर फलस्वरूप ये फूल जाता है। सर्वाइकल कैनाल में स्थित फीटस के स्थित मेम्ब्रेन्स भ्रूणीय झिल्लियों के निचले सिरे में पाए जाने वाला द्रव अमनियोटिक द्रव, जिसे कि हम फॉर वाटर भी कहते हैं, जबकि ये बैग ऑफ वाटर कहलाती है। सो दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ ऑनसेट ऑफ द लेबर। वी कैन सी द पिक्चर हियर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड एफेसमेंट एंड सर्वाइकल assessment of cervical effacement and dilatation. By the picture you can get more clear. Cervical effacement in the first onset of labor, and here also you can see the first stage of labor, how the baby is come. You are seeing the bag of water here and the baby is in a membrane. See? Okay, bye bye. Now next we will see the duration of the